जय शिव गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साबुत मूंग का पकौड़ा बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। साबुत मूंग का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग को भिगोएंगे 7 से 8 घंटा के लिए, या फिर रात भर इसे भिगोकर रख सकते हैं, और 2-3 बार साफ पानी से अच्छा से मूंग को साफ कर लेंगे। मूंग का पेस्ट हमारा बन गया है, अब पकौड़ा बना लेंगे। हरा प्याज लिए हैं, आप इसमें नॉर्मल प्याज भी रख सकते हैं। थोड़ा सा हम लहसुन लिए हैं, इसे भी बारीक कर दिए हैं, और एक थोड़ा सा हरी मिर्च है, अदरक भी बारीक करके रख सकते हैं। धनिया पत्ता है, इसे थोड़ा टुकड़ा करके इसे भी रख देंगे। दूध रखेंगे, दूध रखने से पकौड़ा हमारा कुरकुरा बनेगा। अजवाइन रखेंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर रखेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक मूंग दाल का पेस्ट रखेंगे, पेस्ट को मिक्स कर देंगे पूरा अच्छा से। अब पेस्ट हमारा पूरा अच्छा से मिक्स हो गया है। अब इतना छोटा छोटा पीस बनाएंगे, आप अपने पसंद से बड़ा छोटा भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसी तरह से रखते जाएंगे। एक साइड से फ्राई होने देंगे। अब एक साइड फ्राई हो गया है अच्छा से फ्राई, एक एक करके इसे पलट देंगे और दोनों साइड से पूरा अच्छा से सेक लेंगे। उसी तरह से बाकी का भी पकौड़ा बना लेंगे। अब साबुत मूंग का पकौड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा ओरिगैनो रख देंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स रख देंगे, काला नमक रख देंगे, और थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया पत्ता रख देंगे। साबुत मूंग का पकौड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपको हमारा ये पकौड़ा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।